अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही छोटा है। क्या है? सिमेट्री ऑफ ट्रेंटिटिव मैक्स वाली क्वेश्चन, यानी कि जो मैक्स वाली क्वेश्चन हमने पहले पढ़ी थी चार, ये उनकी इंटेग्रल फॉर्म दी हुई है। ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन कह दिया है। कंटूर इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए जो है वो जीरो के इक्वल है, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। थर्ड है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज माइनस डी फाई एम बाई डी टी, ये क्वेश्चन नंबर थ्री इसको कह लिया हमने। और इसी तरह से लाइन इंटीग्रल और क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी आर जो है वो म्यू नॉट आई के बराबर है, जो कि हमारा एम्पियर लॉ है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फोर कह दिया। ठीक है, अब सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड देखी जाए, ये वाली लेफ्ट साइड फर्स्ट और सेकेंड की अगर देखी जाए, ये वाली में हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, एरिया सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस हमें दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे भी हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, यानी सरफेस और हमें एरिया इंटीग्रल दिया हुआ है, लेकिन ओवर अ क्लोज सरफेस दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हमें क्लोज इंटीग्रल दोनों तरफ दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। इसी तरह यहाँ पे भी हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ वन एंड टू आर सिमेट्रिकल विद लेफ्ट साइड ऑफ थ्री एंड फोर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड्स को देखा जाए तो मैक्सवेल जो ट्रेंटिटिव इक्वेशंस हैं वो कम्प्लीटली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन साथ साथ ये एसिमेट्रिकल भी हैं। कैसे हैं? एसिमेट्री ऑफ ट्रेंटिटिव मैक्सवेल इक्वेशन, दो तरह की हमारे पास जो है वो एसिमेट्रीज हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन एंड टू को देखें तो हमें इक्वेशन नंबर वन ये बताती है राइट साइड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब है ये हमें एक आइसोलेटेड चार्ज के बारे में बता रही है, आइसोलेटेड मोनोपोल के बारे में बता रही है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अलहदा से एग्जिस्ट कर सकता है, जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो अलहदा से एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करने चाहिए, जबकि ये जो इक्वेशन है इसकी राइट साइड जीरो के इक्वल है और ये हमें बताती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी ना नॉर्थ पोल अलहदा से एग्जिस्ट कर सकता है ना ही जो है वो साउथ पोल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमें आइसोलेटेड चार्ज मोनोपोल के बारे में बता रही है कि वो एग्जिस्ट करता है, ये हमें आइसोलेटेड मोनोपोल के बारे में बता रही है कि नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर हम राइट साइड ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू देखें तो ये एसिमेट्रिक हैं, ये एक दूसरे की तायीद नहीं करती हैं। इसी तरह से ये हमारी फर्स्ट एसिमेट्री है। ठीक है, यही चीज दी हुई है कि इक्वेशन नंबर वन का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज को बता रहा है, जबकि राइट साइड ऑफ टू जो है वो जीरो है, जो कि हमें बताता है आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नहीं है। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे देखें ये वाला जो हिस्सा है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है हमें बता रहा है, जबकि ये जो है वो मतलब नो चेंज इन करंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये हमें बेसिकली जो करंट है वो चेंज ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ चार्जेस है। ठीक है, फोर की जो राइट साइड है वो हमें करंट के चेंज के बारे में बता सॉरी करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लक्स के बारे में बता रही है, जबकि थ्री की जो राइट हैंड साइड इक्वेशन है वो हमें मैग्नेटिक के बारे में बता रही है, मैग्नेटिक चार्जेस के बारे में। ठीक है, कि कोई करंट नहीं होता ड्यू टू मैग्नेटिक चार्जेस, इसका मतलब है कि इसके मुताबिक तो मोनोपोल एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर टू, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड ऑफ टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन है ये एसिमेट्रिक है। सेकेंड एसिमेट्रिक क्या है कि इक्वेशन नंबर थ्री जोन सी है वो हमें क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उसका लाइन इंटीग्रल लिया जाए तो वो किसको प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक सॉरी चेंज इन मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो हमें क्या दे रहा है, ई डॉट डी आर। ठीक है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रिएट कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये हमें इक्वेशन नंबर थ्री की राइट हैंड साइड से बताया जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पीछे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर करंट किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से गुजरे उसके अंदर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, वो जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या करंट का जो फ्लो करना है वो उसकी वजह से मैग्नेट बन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। यानी बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन तो हमें ये बता रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, जबकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें ये बताती है
आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका चेंज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 3 की जो राइट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड है वो इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि एसिमेट्रिक है। तो कंक्लूजन क्या आया, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इन टेंटेटिव मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसी टर्म मौजूद है जिसकी वजह से ये सिमेट्रिकल हुई हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती हैं। एक तरीके से ये सिमेट्रिकल हैं, दूसरे तरीके से ये एसिमेट्रिकल हैं, जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इक्वेशन में जो टर्म है इक्वेशन नंबर 4 में मिसिंग है, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो ऑप्टिक्स है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो बनाया जा सकता है और पूरी तरह से हमारी इक्वेशन सिमेट्रिकल हो जाएंगी।